जनता पार्टी का संगठनात्मक बैठक होते रहती है और कोई पहली बार बैठक नहीं है, लगातार बैठक चलते रहती है। और निश्चित तौर पर बिहार के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता है उस पर चिंतन होगा। ये कर्नाटक में सिद्धरमैया जी का शपथ समारोह है, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी गए हुए हैं। निश्चित तौर पर उनके गठबंधन के लोग हैं तो गठबंधन के लोग गए हैं, लेकिन जो वो एकता की बात कर रहे थे इसी कर्नाटक से उनकी एकता तार तार हो गई है। ये 2000 का नोट तो जो सर्कुलेशन हुआ है, स्वागत योग्य कदम है। और जो लोग कालाबाजारी भ्रष्टाचारी की जमात इस तरह की व्यवस्था बनाते हैं जिसका सर्कुलेशन कम कर देते हैं उस पर एक बड़ा चोट है। शरद पवार ने कहा है कि विपक्षी दल में नीतीश कुमार चाहते हैं, लेकिन कोई एक दिन का एक काम नहीं है, अलग अलग पार्टी का अलग अलग विचारधारा है और एक साथ लाना लोगों को मतलब मिलकर काम कोशिश करें। देखिए, भ्रष्टाचारियों की जमात को एक मंच पर ला सकते हैं, लेकिन एक मंच पर वो रह नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आपसी टकराहट होगी हर स्टेट के अंदर, कहीं कांग्रेस के साथ टकराहट है, कहीं बीजेपी के साथ टकराहट है, कहीं क्षेत्रीय दलों के साथ टकराहट है, तो ऐसे लोग एक जमात एक जगह इकट्ठा हो नहीं सकते। और सभी बिहार की क्या देश की जनता भी जानती है कि भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी के लाल किले से उस घोषणा से डरे हुए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, इसलिए सारे भ्रष्टाचारी एक जगह एकजुट होकर अपने को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा भी नाम चार्जशीट में डाला जा सकता है, ईडी डाल सकती है। आपने गलत किया है तो घबराहट स्वाभाविक है, हमने गलत नहीं किया है तो कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। और संवैधानिक संस्थानों का जो कार्य कर रहा है उसका सम्मान करना चाहिए, माननीय न्यायालय के अंदर विश्वास करना चाहिए।